हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, किस तरीके से हम उन्हें सिग्निफिकेंस करें। इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके ऊपर। तो डिवीजन का रूल देखते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए। सपोज एक्स इक्वल टू 1.234 और वाई इक्वल टू 1.1। ठीक, अगर सपोज हमें इसमें एक्स इंटू वाई निकालना है या एक्स डिवाइडेड वाई बाई निकालना है, तो बड़ा कॉमन सा रूल होता है इसके लिए। आंसर इसका जो भी हो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं सिर्फ यहाँ तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर मैं एक्स इंटू वाई निकालूँ या एक्स डिवाइड वाई निकालूँ, इस केस में रूल इसका क्या है? रूल ये कहता है इस पूरे में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, 2, 3, 4, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। ठीक, अब हमें ये देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर किसमें है, इसमें है या इसमें है। तो लीस्ट यही होगा, ये वाला लीस्ट होगा। सपोज करो कि इसका आंसर आया, कोई भी आंसर, हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, आप इसे कैलकुलेट करके देखना। यहाँ मैं सिर्फ आपको बेस समझा रहा हूँ कि इसका तरीका क्या होगा, कि विदाउट सॉल्व करें, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है, या कोई चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सी एंड डी। पहला जो ऑप्शन है 1.345, सेकेंड ऑप्शन है इसका 1.34, सपोज यहाँ जीरो है, 5। थर्ड ऑप्शन है 1.34 और फोर्थ ऑप्शन है 1.3। अगर हम देखें तो मैथमेटिकली ये सारे ऑप्शन सही है। मैथमेटिकली ना तो आप इसे गलत बता सकते, ना ये गलत है, ना ये गलत है, ना ये गलत है। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग कि लीस्ट किस में है, लीस्ट वही बाई में है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा मैच कर रहा है, डी। तो ना तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया ना कुछ किया, हमने सिर्फ रूल को फॉलो किया। दिस इज रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूप में आप हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कि किसमें है, मतलब मिनिमम किसमें है। पूरे में हमने देखा कि मिनिमम किस में होगा। अगर सपोज करो यही केस एडिशन का होता, तो अगर एडिशन का केस होता, मान लीजिए हम इन्हें ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड करने के लिए अगर हमें एक्स प्लस वाई निकालना है, एक्स माइनस वाई निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उस केस में हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया आपका 0.334 और 2 पॉइंट, यही हुआ। ठीक है, मान लीजिए इसमें ऑप्शन ए है, बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले का है 2.334 00, 2.334, 2.33 और 2.3। इस केस में या हम ये मान लें कि यहाँ से जीरो आप हटा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे वैसा कर देते हैं,
यहाँ पे ये 2.33 है, ये 2.3 है, और मान लीजिए यहाँ पर 0.3 है। तो इसका रूल कहता है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ काउंट कर लीजिए 1, 2, 3। आफ्टर डेसिमल इसमें कितना है, 1। तो अब मुझे सोच के बताइए, ये आपको इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है कि हम सी वाला चुनें या डी वाला चुनें, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। सिग्निफिकेंस पे और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब और भी फॉर्म किए जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये कॉमन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन की कंडीशन है, और ये इसे चुने या इसे चुने, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैं इंतज़ार करूँगा इसके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हम डी वाले को चुनें या सी वाले को चुनें। ठीक है, ये आपका काम है, कंडीशन मैंने दोनों दी हुई है, ये आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शन सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है। ओके, तो सिग्निफिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आगे जब क्लास कंटिन्यू होगी तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी कि किस किस तरीके से बनते हैं। तो इस वीडियो के लिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।